नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैमिली। ये सारे क्वेश्चन जो आज आपको दिख रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके पहले आई हैव जस्ट गिवन यू टू वीडियो, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट वन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट टू। उन वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है, आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो। ये आप क्वेश्चन समझिए, इनका आंसर कैसे देना है, ये दोनों चीज़ें समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है आपको, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में बात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए जरूर। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी पीपल मीन्स होता है कितने लोग, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, पीपल मीन्स लोग, हाउ मेनी पीपल कितने लोग, आर देयर हैं इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। सो सपोज देर आर 5 मेंबर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में 7 लोग हैं, तो आप इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं, देर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, या देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, हु ऑल आर देयर, कौन कौन से, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, हु ऑल आर देयर, कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो ये भी आप बता सकते हो, माई पेरेंट्स, माई वन ब्रदर, वन सिस्टर एंड मी। इस तरीके से जो भी हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लिव इन अ विलेज, टाउन और सिटी, आप कहाँ रहते हैं, लिव मीन्स होता है रहना, विलेज में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं, आई लिव इन अ विलेज, या आई लिव इन अ टाउन, या आई लिव इन अ सिटी। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन, इन विच सिटी डू यू लिव, कौन से शहर में आप रहते हैं, डू यू लाइक योर सिटी, क्या आपको आपका शहर अच्छा लगता है, और डू यू लाइक योर विलेज, क्या आपको आपका गांव अच्छा लगता है, और डू यू लाइक योर टाउन, क्या आपका कस्बा आपको अच्छा लगता है। इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं जब हम ऐसे बेसिक लेवल से ऐसे ही शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है, आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बस इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने का तरीका तो आप जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने का अगर आपको माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम रोज आपसे 45 मिनट आपसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं, आपसे इंग्लिश में बात की जाती है, और वहाँ पे कुछ प्राइवेट वीडियो भी आपको मिलते हैं। लगातार डेली बेसिस पे बहुत सारी हम एक्टिविटीज कराते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप उस कोर्स को आप नहीं ज्वाइन कर किया है अभी तक, तो आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली होता है एकाकी परिवार। सो डू यू लाइक, कौन सी फैमिली आपको अच्छी लगती, ज्वाइंट फैमिली यानी जिसमें आपके अंकल आंटी सारे लोग उसमें रहते हैं उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, जिसमें केवल आपकी फैमिली रहती है उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो डू यू लाइक ज्वाइंट फैमिली, यस आई लाइक ज्वाइंट फैमिली, या नो आई डोंट लाइक ज्वाइंट फैमिली, आई लाइक न्यूक्लियर फैमिली। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई डू यू लाइक ज्वाइंट फैमिली, या व्हाई डू यू लाइक न्यूक्लियर फैमिली, वो जवाब देगा, आप सोचेंगे कुछ जवाब देंगे, टूटी फूटी इंग्लिश निकलेगी शुरुआत में, लेकिन कोई बात नहीं, आप गलती करने से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है आप कुछ नया कर रहे हैं, और अगर आप कुछ नया करेंगे तो गलतियां जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, कितने भाई हैं आपके। सो सपोज यू हैव टू ब्रदर्स, सो आई हैव टू ब्रदर्स, या आई हैव वन ब्रदर, आई हैव थ्री ब्रदर्स, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं है भाई सो आई डोंट हैव ब्रदर्स, आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते हो, आई डोंट हैव ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। सो आई हैव वन सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स,
आई हैव थ्री सिस्टर्स, इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइक डज योर सिस्टर स्टडी, वेयर डज योर सिस्टर स्टडी, आपकी सिस्टर कहाँ पढ़ती हैं, डज सी स्पीक इन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात करती है, या ब्रदर के बारे में भी आप ऐसे पूछ सकते हो, डज योर ब्रदर स्पीक इन इंग्लिश, डू यू टॉक इन इंग्लिश विथ योर ब्रदर, क्या आप अपने भाई से इंग्लिश में बात करते हैं, वेयर डज ही स्टडी, वो कहाँ पर पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही स्टडी, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इंग्लिश में ज्यादा बात कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अंकल्स डू यू हैव, वही उसी तरीके से जवाब दे सकते हो, आई हैव वन अंकल, आई हैव टू अंकल्स, आई हैव थ्री अंकल्स, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट डज योर अंकल डू, वेयर डज ही लिव, डू यू टॉक विथ योर अंकल इन इंग्लिश, क्या आप अपने अंकल से इंग्लिश में बात करते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज योर मदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, तो जो भी आपके पापा करते हैं, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय, जो भी हैं उनका प्रोफेशन आप इस तरीके से फुल सेंटेंस में आपको देना होगा, केवल शॉर्ट में आंसर नहीं देना है, यू हैव टू स्पीक फुल सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज योर मदर अ होम मेकर और अ वर्किंग वोमेन, होम मेकर घर में काम करने वाली, वर्किंग वोमेन जो बाहर जाके अगर जॉब करती हैं तो यूज कर सकते हैं, तो माय मदर इज अ होम मेकर या हाउसवाइफ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वर्किंग वुमेन को करियर वुमेन भी बोलते हैं, तो माय मदर इज अ होम मेकर या माय मदर इज अ हाउसवाइफ, या बाहर काम करती है, माय मदर इज अ वर्किंग वुमेन, अगर वर्किंग वुमेन है तो कहाँ काम करती है ये भी पूछ सकते हो, वेयर डज योर मदर वर्क, आपकी मदर कहाँ पे काम करती है, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट वन हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड का मतलब होता है आपके ग्रैंडफादर की उम्र क्या है, उम्र पूछी जाती है, सो हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, सॉरी पहला क्वेश्चन है ग्रैंड मदर, सो हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, सो माई ग्रैंड मदर इज 65 ईयर्स ओल्ड, माई ग्रैंड मदर इज 70 ईयर्स ओल्ड, माई ग्रैंड मदर इज 75 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से दे सकते हैं, और ऐसे ही ग्रैंडफादर के बारे में बता सकते हैं, माई ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आपसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो क्रॉस आंसर भी आपको मिलेंगे। क्रॉस क्वेश्चन पूछने का सबसे बेहतर तरीका होता है आंसर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आंसर क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उसी से अगला क्रॉस क्वेश्चन निकल के आता है। एंड हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पापा की उम्र क्या है, उसी तरीके से। एंड नेक्स्ट वन इज आर यू द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े, सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई बहन, आप नोट्स बना लीजिए, ये वर्ड सिबलिंग्स होता है ना, भाई बहन दोनों को मिला करके हम सिबलिंग्स बोलते हैं। आर यू द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, तो अगर हैं सबसे बड़े अपने भाई बहन में तो आप जवाब दे सकते हैं यस आई एम द एल्डेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स, नो अगर नहीं है, नो आई एम नॉट द यंगेस्ट, आई एम नॉट द एल्डेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स, इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर यू द यंगेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, क्या आप अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं, तो अगर छोटे हैं तो यस आई एम द यंगेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स, अगर नहीं है नो आई एम नॉट द यंगेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स, आप नंबर बता सकते हो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, ठीक है ऐसे जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हु स्कोल्ड्स यू, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, क्वाइट ऑफन मीन्स अक्सर, हु स्कोल्ड्स यू क्वाइट ऑफन, आपको अक्सर कौन डांटता है, तो आप जवाब दे सकते हो माय मदर स्कोल्स मी क्वाइट ऑफन, माय फादर स्कोल्स मी क्वाइट ऑफन, माय ब्रदर स्कोल्स मी क्वाइट ऑफन, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। डू यू स्कोल्ड एनीवन, क्या आप किसी को डांटते हो, ठीक है। एंड व्हाई डज योर मदर स्कोल्ड यू, आपकी मदर आपको क्यों डांटती है, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू स्टे विथ योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, तो अगर रहते हैं सो यस आई स्टे विथ माई पेरेंट्स, अगर नहीं रहते हैं आई डोंट स्टे विथ माई पेरेंट्स, तो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और हम इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस चैटिंग के तहत, ठीक है। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी शुरुआत कर सकते हो। ये इस कोर्स के बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473830753 पे आपकी स्क्रीन पे है, आप इस पे हाँ लिख करके मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। घर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अगर आप घर पर भी रोज 45 मिनट इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन अगर ये माहौल आपको घर पे नहीं मिलता है तो ये बेहतरीन कोर्स है, आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के डिसीजन लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।